हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे HTML टेबल। आज हम पूरी टेबल क्रिएट करना सीखेंगे HTML में, बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। एक एक चीज़, एक छोटा छोटा पॉइंट आपको आज मैं बताऊंगा, ठीक है? तो आप कभी भी HTML टेबल बनाना नहीं भूलेंगे, पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है? इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये ओ लेवल में इंटरनेट सब्जेक्ट की सीरीज़ में HTML पढ़ाई जा रही है। HTML जो कि एक लैंग्वेज होती है, जो मैंने बिल्कुल बेसिक से डिफाइन की है। आपने बेसिक वाली वीडियो नहीं देखे हैं, वो पहले देखिए। HTML टेबल आप बनाना तो सीख ही जाएंगे, पक्का विश्वास दिलाता हूँ, ठीक है? अगर आप इंटरनेट और IT टूल्स बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर IT टूल्स और इंटरनेट की प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको बिल्कुल बेसिक से सारे वीडियो मिल जाएंगे। आप सारे वीडियोज़ देखिए, अगर वीडियो अच्छे लगते हैं आपको तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तुरंत सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को दबाओ, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है? स्टार्ट करते हैं आज हम HTML टेबल क्रिएट करना। HTML टेबल में हम हर चीज़ पढ़ेंगे, कॉल स्पैन, रो स्पैन, हर चीज़ बेसिक्स लेके चलेंगे, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। किसी भी, अब हम HTML टेबल के बारे में समझते हैं पहले। किसी भी डेटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम टेबल का यूज़ करते हैं। किस फॉर्म में? स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। अपने वेब पेज में टेबल इंक्लूड करके हम उसे और भी स्ट्रक्चर्ड और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं स्ट्रक्चर्ड फॉर्म करके। HTML में टेबल क्रिएट करने के लिए हम टेबल टैग का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? टेबल टैग का यूज़ करते हैं। इस टैग का एक सब टैग होता है, जिसे TR टेबल रो टैग कहते हैं। R लिखा है तो समझो टेबल रो टैग कहते हैं। TR टैग का भी एक सब टैग होता है, जिसे हम TD टेबल डेटा टैग कहते हैं, ठीक है? ये याद रखना, TD मतलब टेबल डेटा, TR मतलब टेबल रो, ठीक है? क्रिएट टेबल, क्रिएटिंग टेबल इन HTML में टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है? कोई भी टेबल रो और कॉलम से मिलकर बनी होती है। आप तो जानते हैं, कोई भी टेबल होगी हमारी जो भी, तो वो किससे बनेगी? रो और कॉलम से बनेगी, ठीक है? इसलिए टेबल टैग के बाद रो क्रिएट करने के लिए हम TR टैग का यूज़ करते हैं। टेबल टैग हमने यूज़ किया, जैसे कि ये देखिए, टेबल टैग यूज़ किया, फिर हमने TR टैग यूज़ किया, ठीक है? TR टैग यूज़ करते हैं हम, किस जितनी रो क्रिएट करना चाहते हैं उतने ही TR टैग डिफाइन करते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर एक जे TR टैग, मैंने रो एक जे डिफाइन कर दी, फिर TR टैग क्लोज कर दिया, फिर मैंने यहाँ पर दूसरी रो डिफाइन करी, TR क्लोज कर दिया, ठीक है? ऐसे ही जितनी रो हम क्रिएट करना चाहते हैं उतने हम TR टैग डिफाइन करते हैं। रो क्रिएट करने के बाद हम रो में कॉलम क्रिएट करते हैं। कॉलम क्रिएट करने के लिए TD टैग का यूज़ करते हैं। पहले हमने एक रो डिफाइन की, रो बन गई, उसके बाद हमने क्या किया, कॉलम डिफाइन किया, TD, दो कॉलम मैंने डिफाइन कर दिए। जितने कॉलम डिफाइन करने हैं एक रो में, उतने हम कॉलम एक TR के बाद देंगे, ठीक है? बिल्कुल बेसिक्स लेके चलेंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है? TD टैग का यूज़ किया जाता है। कॉलम को क्रिएट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? TD टैग का, याद रखना। आप जितने कॉलम क्रिएट करना चाहते हैं उतने ही TD टैग डिफाइन करते हैं। जैसे कि HTML मैंने लगाया, हेड टैग लगाया, टाइटल लिखा, बॉडी लगाई, बॉडी में टेबल बॉर्डर 1 लिखा, फिर मैंने टेबल का बॉर्डर कितना होगा, 1 होगा, ठीक है? TR लिखा, मतलब कि टेबल रो। अब ये टेबल की रो ऐसे चलेगी, ठीक है? टेबल रो लिखा, TD मैंने लिखा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब कि एक ऐसी टेबल बनी, इसमें दो कॉलम बने, इसमें एक का नाम रखा फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, एंड दूसरे का लिखा फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, ठीक है? TR टैग क्लोज कर दिया। अब हमने दूसरी रो बनाई, पहली रो में हमने लिखा था फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम लिखा था। अब हम दूसरी रो बनाई, उसमें लिखा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है? TR टैग हो गया, टेबल बॉडी टैग क्लोज किया, HTML क्लोज कर दिया। तो ये हमारी क्या थी, क्रिएटिंग टेबल इन HTML। आप ये सारा जो मैंने कोड लिखा है HTML में, ये आप नोट पैड पर एक बार रन करके देख सकते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है? टेबल क्रिएट करने के लिए आपको टैग का ऑर्डर हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? अब हम ऑर्डर तो बहुत ही समझने की बात है, कैसे जी तो बहुत समझने की बात है, आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले टेबल टैग आता है, क्या आता है? टेबल टैग, रट लो क्या आएगा, टेबल टैग। उसके बाद क्या आएगा, TR टैग।
टेबल टैग आता है, उसके बाद TR टैग टेबल का रो डिफाइन करेंगे। पहले हमने एक टेबल डिफाइन करी, उसके बाद सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ये रो डिफाइन करनी है हमें रो। उसके बाद TH और TD टैग आते हैं, TH और TD टैग हमेशा TR टैग के बाद आएंगे, ठीक है। TH और TR मतलब कि आज आगे आपको हम TH भी पढ़ाएंगे, ठीक है। एक बात को ध्यान रखिए रखनी चाहिए कि जब तक बॉर्डर एट्रीब्यूट के द्वारा टेबल की बॉर्डर डिफाइन नहीं करते तब तक टेबल की बॉर्डर शो नहीं होती। तो ये बॉर्डर डिफाइन करना मैंडेटरी है, ठीक है, याद रखिएगा। क्रिएटिंग टेबल हेडिंग, टेबल की हेडिंग कैसे क्रिएट करते हैं। हेडिंग क्रिएट करने के लिए TH टैग यूज़ करते हैं। हेडिंग क्रिएट करने के लिए किसका यूज़ करेंगे, TH टैग का यूज़ करेंगे। इसे टेबल हेडिंग टैग कहते हैं। क्या बोलते हैं TH को, टेबल, H फॉर हेडिंग, ऐसे याद रखिएगा। H फॉर हेडिंग, R फॉर रो, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। इस टैग में आप जो टेक्स्ट यूज़ करते हैं वेब पेज में हेडिंग की तरह शो होता है। इस टैग को TR टैग के अंदर यूज़ किया जाता है। कहाँ यूज़ किया जाता है, TR टैग के अंदर। कॉरस्पोंड एट्रीब्यूट, किसी एक रो के कॉलम को एक से ज़्यादा कॉलम्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। इसके लिए हम, जैसे एक रो है उसके कॉलम को हम एक से ज़्यादा कॉलम में भी डिवाइड कर सकते हैं। इसके लिए हम उससे पहले वाले कॉलम में कॉरस्पोंड एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं। जिस कॉलम में हम कॉरस्पोंड डिफाइन करते हैं वो एक कॉलम उतने ही कॉलम की जगह घेरता है। इसका उदाहरण ये है, HTML हेड टैग लगाया, टाइटल कॉरस्पोंड वेब पेज लगाया, हेड टैग क्लोज, बॉडी टेबल बॉर्डर दिया, TR टैग हम लिखते हैं सबसे पहले। TH में हमने लिखा नेम, ये क्या हो गया, ये हमारा होगा बोल्ड से आएगा, बोल्ड में लिखा हुआ आएगा। और मतलब कि ये TH इसीलिए लगाते हैं हेडिंग के लिए, क्योंकि सबसे पहले हम हेडिंग डाल रहे हैं। ये हमारी रो किस में हेडिंग होंगी, हमारी एक टेबल में जो पहली रो होगी उसमें क्या होंगी, नेम्स होगा, कॉरस्पोंड टू होगा, उसमें मोबाइल नंबर होगा, ठीक है, याद रखना। और TR टैग लगा, क्लोज़ किया, फिर TR टैग लगाया, राम लिखा मैंने, TD लिखा, TD क्लोज़ किया, फिर मैंने TD लगाया अपना मोबाइल नंबर, TD क्लोज़, TD, फिर ये लिखा, फिर TD क्लोज़ किया, फिर TR क्लोज़ किया, फिर TR क्लोज़ किया। अब हम लगाते हैं TD आकाश, TD कॉरस्पोंड टू 1222, TD क्लोज, TR टेबल, टेबल रो। अजी आप एक बार जब आप नोट पैड पर इस कोड को पूरा रन करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार आप इसे नोट पैड पर जरूर रन कीजिएगा। रो स्पैन एट्रीब्यूट, रो स्पैन एट्रीब्यूट भी कॉल स्पैन की तरह होते हैं। इसे हम TR टैग में डिफाइन करते हैं। इसे हम किस में डिफाइन करते हैं, TR टैग में डिफाइन करते हैं। इस एट्रीब्यूट की हम जितनी वैल्यूज देते हैं वह एक रो उतने ही कॉलम की जगह घेरती है। इसका उदाहरण रो स्पैन फिर से समझो, रो स्पैन एट्रीब्यूट भी कॉरस्पोंड की तरह यूज़ करते हैं। इसे हम TR टैग में डिफाइन करते हैं। इस एट्रीब्यूट की हम जितनी वैल्यूज देते हैं वह एक रो उतने ही कॉलम की जगह घेरती है। तो हेड टैग लगाया, बॉडी टैग लगाया, HTML बॉर्डर दिया, TR लगाया, TR में रो स्पैन टू दिया, मेंस, ठीक है, मतलब कीजिए दो रो की जगह घेरेगा, ठीक है। TD रैम, राम एंड रेडी श्याम, ये आप एक बार क्या करेंगे, HTML को नोट पैड में इसे एक बार रन करेंगे तो आपको रो स्पैन का मतलब समझ आ जाएगा, मतलब कि दो रो एक बार में घेरेगा, ठीक है। वुमेन लिखा आएगा वो दो रो का एक ही में लिख के आएगा, अब ऐसे समझिए। एक बार रन करके देखिएगा आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। टेबल बैकग्राउंड, आप निम्न दो तरीकों में से एक का उपयोग कर टेबल बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। बीजी कलर एट्रीब्यूट, यू कैन सेट बैकग्राउंड कलर फॉर होल टेबल फॉर जस्ट फॉर वन सेल, एंड बैकग्राउंड एट्रीब्यूट, यू कैन सेट बैकग्राउंड इमेज फॉर होल टेबल और जस्ट फॉर वन सेल। आते हैं नेमिंग, मतलब कि टेबल का नेम, देखो हम चाहें तो टेबल का कोई नेम दे सकते हैं जिसे कैप्शन भी बोलते हैं। इसके लिए हम कैप्शन टैग का यूज़ करते हैं। इसे टेबल टैग के बाद डिफाइन किया जाता है। तो HTML हेड टैग टाइटल नेमिंग द टेबल एंड टाइटल क्लोज हेड टैग क्लोज टेबल बॉर्डर किया टू कैप्शन में हमने लिखा माई टेबल कैप्शन और फिर TR मतलब कि ये ऊपर माई टेबल लिख के आएगा किसके ऊपर टेबल के ऊपर ठीक है। और TD विपिन शर्मा ये सब मैंने किया। एक बार आप इसे नोट पैड पर रन करके देखिएगा ठीक है तो आपको जल्दी समझ आएगा।
टेबल टैग फिर से एक बार देखते हैं, ये आपको रटा दूंगा मैं, ठीक है। टेबल डिफाइन ए टेबल करने के लिए टी आर डिफाइन ए टेबल हेडर, टी आर डिफाइन रो इन ए टेबल, टी डी डिफाइन टेबल डेटा। एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टैग, टेबल टैग के एट्रीब्यूट देखते हैं। सबसे पहले बॉर्डर, बॉर्डर हमेशा वैक कलर, वैक ब्लैक कलर में ही आता है। एग्जाम्पल टेबल बॉर्डर 2 पिक्सल का दिया, तो 2 पिक्सल। एंड सेल, सेल पैडिंग देखते हैं। सेल पैडिंग क्या होता है, टेबल बॉर्डर 2 पिक्सल, सेल स्पेसिंग 5 पिक्सल एंड सेल पैडिंग 3 पिक्सल। सेल स्पेसिंग क्या होता है, इससे हम दो सेल्स जैसे ये दिए हैं के बीच को की दूरी तय करते हैं, कितनी दूर रखना है हमें, ठीक है। अब विथ आती है, विथ में क्या होता है, टेबल बॉर्डर 2 पिक्सल, विथ कितनी दी हमने 400 दी, तो 400 आएगी, ठीक है। वीजी कलर, टेबल बॉर्डर 2 पिक्सल वीजी कलर लाइट ब्लू, एग्जाम्पल हेक्सा कोड ऑफ कलर, ये नहीं देते हैं, ये हमारी दूसरी लैंग्वेज में आ जाता है जिससे कि ये CSS में से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसे आप इस कलर का जो कोड होता है वो याद ना रखें, आप अपनी सिंपल लैंग्वेज सिंपल HTML में ही कलर का नाम दें, सीधे रेड लिख दें तो रेड आ जाता है, ठीक है। जो मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ, पहले बेसिक वाली वीडियो नहीं देखें तो आप वो वीडियो जरूर देखें। एट्रीब्यूट फॉर TH और TD टैग के लिए अलाइन, दो लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाइड, VG कलर, कलर नेम RGB, जी तो सो कॉल स्पेन नंबर, रो स्पेन नंबर, हाइट में पिक्सल और परसेंटेज, एंड टॉप मिडल एंड बॉटम दिया, विथ में हमने पिक्सल और परसेंटेज दिया। TH में जो भी लिखा होता है वह ऑटोमेटिक सेंटर में आता है, याद रखना TH में जो भी लिखा होगा वो किस में आएगा, ऑटोमेटिक सेंटर में आएगा। अब हम देखते हैं एक, जैसे कि ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछी गई टेबल है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बार इसे समझते हैं। HTML हेड टैग टाइटल टेबल टैग बॉर्डर 1 विथ 200 सेल स्पेसिंग, ये आप एक बार कोड पूरा रन करके देखेंगे किस पर, HTML पर, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा पूरा। तो इससे एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना इसका आपको ऐसे करके, और आप एक बार ऐसे रन करके देख लेना, ठीक है। सो हमारी HTML यहाँ पर, HTML की टेबल, जो टेबल है ना पूरी आप क्रिएट करना सीख जाएंगे अगर आप एक एक जो कोड मैंने दिए हुए हैं उसे एक एक बार रन करके देखते जाएंगे, और धीरे धीरे इस वीडियो को पूरा देखेंगे, एक दो बार देखेंगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी, ठीक है। HTML बेसिक से पढ़ना तो पहले वाली वीडियो देखिए, मैं पहले बता चुका हूँ, तो आपको सब HTML पूरी समझ में आएगी। एंड अगर वो वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।